हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी के लिए कौन से टायर्स अच्छे हैं। 215/60R16 यानी कि आपकी गाड़ी होगी एस्क्रॉस, ब्रेजा, वेन्यू या नेक्सॉन, इनमें से आपके पास तो कोई गाड़ी होगी। तो लिस्ट मैंने आपको बता रहा हूँ, ये मैंने छोटी सी लिस्ट तैयार की है मेरे हैंड राइटिंग में, और आपको स्क्रीन पे आपको सारे इसके की फीचर्स दिख जाएंगे, वारंटी और प्राइस। तो फर्स्ट नंबर पे है योकोहामा का अर्थ फन, जो टायर खराब रस्तों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सेकेंड टायर है हमारा सबसे प्यारा राज दुलारा, सीएट का सिक्योर ड्राइव, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टायर है, क्योंकि जो प्राइस पे जो आता है और जो ये क्वालिटी ऑफर करता है वो सबसे अच्छी है। थर्ड नंबर पे हमारा योकोहामा का ब्लू अर्थ, ये भी बहुत अच्छा टायर है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे पे ये गाड़ी चलाते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है ब्रिजस्टोन, फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है मिशलिन। ओके, अगर मैं आपको बताऊं मिशलिन कॉन्टिनेंटल और पिरेली जो टायर है, ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर है, यानी कि ये ग्रिप आपको एक नंबर देंगे, पर इतनी जल्दी वो पंचर हो जाएंगे और उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाएंगे, मतलब 30,000 किलोमीटर के चल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें जेके नहीं लिया है, MRF नहीं लिया है और अपोलो नहीं लिया है। देखिए, अपोलो में एक ही टायर आता है, वो है LNX 4G, जो ओवर प्राइस लगता है मेरे को, जो क्वालिटी के साथ आता है। 7,500 में आप देख सकते हैं, 7,500 में तो आपको योकोहामा मिल रहा है, तो आप अपोलो के पास क्यों जाएंगे। जेके के बहुत टायर इश्यूज है, अब मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप कोई 2,000 में भी टायर दे रहा है वो मत लीजिए, बहुत इश्यूज आते हैं उसमें। थर्ड मुझे ज़रा कन्फ्यूजन था, MRF मैंने सुना है कि सिर्फ वारंटी जो देता है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर देता है, बाकी के सब टायर, ये टायर कट अगर लग जाए, फट जाए, तो आपको टायर रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। एक सवाल का आंसर देना चाहता हूँ, अगर आप देख रहे होगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा चलेगा, मतलब लाइफ लॉन्ग कौन सा चलेगा टायर, तो वो चलेगा हमारा योकोहामा का अर्थ फन। बाकी के टायर आपको 40,000 से 50,000 के नीचे ही ख़त्म हो जाएंगे, पर योकोहामा अर्थ फन 50,000 से भी ऊपर आपको चला सकते हो उसको। तो यही था इस वीडियो में, आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहला फेस कैम वीडियो था ये। तो बाय बाय।